प्रदीप आर्यन एंड यू आर वाचिंग अवर चैनल लाइक इंग्लिश क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक है यूज ऑफ कॉजेटिव वर्ब्स। तो आज हम जानने वाले हैं कि कॉजेटिव वर्ब्स क्या होती है। वी यूज कॉजेटिव वर्ब इन इंग्लिश टू से दैट वी हैव अरेंज्ड फॉर समवन टू डू समथिंग फॉर अस। जब हम किसी काम को स्वयं कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, जब हम किसी काम को स्वयं कर रहे होते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है, वर्ब कहलाती है नॉर्मल। लेकिन जब हम किसी काम को स्वयं ना कर किसी और के द्वारा करवा रहे होते हैं तो वर्ब तो यूज होती है, लेकिन इसमें एक ऐसा वर्ड भी यूज किया जाता है साथ में जो ये दर्शा रहा होता है कि वो काम करवाया जा रहा है किसी और के माध्यम से, और वही वर्ड जो होते हैं वो कॉजिटिव वर्ब होते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं, हैव, गेट, मेक एंड कॉज, ये चारों कॉजिटिव वर्ब्स होते हैं। ठीक है, कैसे, एग्जाम्पल के माध्यम समझने का प्रयास करते हैं। तो वह अपने मकान की पुताई करेगा, मतलब वह अपने मकान को रंगेगा, तो स्वयं काम करेगा। तो यहाँ पर ही विल व्हाइट वॉश हिज हाउस, नॉर्मल सेंटेंस है, यहाँ पर कॉजेटिव वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया है। लेकिन वह अपने मकान की पुताई करवाएगा या अपने मकान को रंगवाएगा, मतलब किसी भी दूसरे के द्वारा काम करवाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही विल गेट हिज हाउस व्हाइट वॉश्ड, या फिर कह सकते हैं ही विल हैव हिज हाउस व्हाइट वॉश्ड। तो यहाँ पर गेट या हैव का हम प्रयोग करेंगे, और यही हमारे क्या हो जाएंगे, कॉजेटिव वर्ब्स हैं, जो ये दर्शाते हैं काम खुद नहीं करके किसी और के माध्यम से करवाया जा रहा है। क्लियर, अब दूसरा देख लेते हैं, मैं हंसता हूँ, आई लाफ, ठीक है, ये नॉर्मल हमारा होगा सेंटेंस, वर्ब लगी हुई है। लेकिन मैं अपने मित्रों को हंसाता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉजेटिव वर्ब का प्रयोग करेंगे, आई मेक माई फ्रेंड लाफ, क्या करेंगे, आई मेक माई फ्रेंड लाफ। मेक की जगह पर हम कॉज का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा चेंजेस करने पड़ेंगे हमें, आई कॉज माई फ्रेंड्स टू लाफ, जब कॉज लगेगा तो टू का प्रयोग करेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं, हैव या गेट का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हैव या गेट का प्रयोग करेंगे, तो दोनों में से किसी एक को यूज करेंगे। उसके बाद फॉर्म अकॉर्डिंग टू टेंस, और इनके जो फॉर्म है उनको टेंस के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर थर्ड फॉर्म लिख देंगे। ठीक है, मेक का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे देख लीजिए, मेक का स्ट्रक्चर क्या रहेगा हमारे लिए, सब्जेक्ट, उसके बाद मेक, ठीक है, फॉर्म अकॉर्डिंग टू टेंस, मतलब मेड भी हो सकता है, विल मेक भी हो सकता है, मेक्स भी हो सकता है। ठीक है, मतलब जो भी टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उसको सेटअप करेंगे। उसके बाद नाउन या प्रोनाउन या फिर ऑब्जेक्ट जो भी रहेगा वो यहाँ पर यूज कर लेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब मेन वर्ब लिखेंगे, यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज नहीं करेंगे। तो हमने देखा हैव या गेट में थर्ड फॉर्म प्रयोग होता है, जबकि मेक में थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं करेंगे, थर्ड फॉर्म को यूज नहीं करेंगे, वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, मतलब मेन वर्ब लगाएंगे। इसी प्रकार कॉज में भी सब्जेक्ट, कॉज, कॉजेस, caused, जो भी अकॉर्डिंग टू टेंस होगा वहां पर यूज कर लेंगे। उसके बाद नाउन प्रोनाउन लगाएंगे, लेकिन याद रखें कि यहाँ पर टू को ऐड करना है, प्लस मेन वर्ब, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज कर लेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा लेंगे। तो हमें जान लेंगे कॉजेटिव वर्ब्स क्या होते हैं। कॉजेटिव वर्ब्स वो वर्ड्स होते हैं जो स्वयं ना काम करके किसी और के द्वारा काम करवाने को दर्शाते हैं। उसके बाद हमने एग्जाम्पल्स भी देख लिए और फॉर्मुलाज भी देख लिए कि किस स्ट्रक्चर के आधार पर हम हैव गेट का यूज करेंगे, मेक का यूज करेंगे, कॉज का यूज करेंगे। ठीक है, हमारे चैनल सपोर्ट करते रहिए, बने रहिए हमारे साथ लाइन इंग्लिश क्लासेस के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।